नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। किसी भी कलाकार के लिए जब लोग ये कहने लगे कि वो जितनी पारंगत शास्त्रीय संगीत में हैं, उतनी ही पारंगत हैं उप शास्त्रीय गायन में, यानी चैती, कजरी और ठुमरी जैसी कलाओं में। ऐसी एक कलाकार हैं सावनी शेंडे, और रागगिरी के मंच से इस वक्त जुड़ने जा रही हैं सावनी शेंडे खुद। तो हम स्वागत करते हैं सावनी आपका रागगिरी के इस मंच पर। नमस्ते। रागिणी के माध्यम से आपसे और श्रोताओं के साथ बातचीत करते हुए बहुत आनंद मिल रहा है। सावनी, ये जो मैंने आपके परिचय में एक कॉम्प्लीमेंट वाली बात कही, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपका जो संगीत का सफर है वो तो 6 साल की उम्र से शुरू हो गया था, यानी एक लंबा सफर भी है इस कॉम्प्लीमेंट को पाने के पीछे। जी बिल्कुल, एक लंबा सफ़र तो है ही, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मैं एक संगीतमय घराने में मेरा जन्म हुआ, वहीं मैं पली बड़ी हूँ। मेरी दादी कुसुम शेंडे किराना घराने की ज्येष्ठ गायिका रह चुकी हैं, और उन्होंने भी शोभा गुरुटू जी से उपशास्त्रीय संगीत की तालीम ली है। और संगीत नाटक जो एक दौर था उस ज़माने में महाराष्ट्र में, तो बहुत ही प्रसिद्ध था वो दौर। तो उस दौर की बहुत एक मशहूर अभिनेत्री गायिका रह चुकी है मेरी दादी, और हीराबाई बड़ोदेकर सरस्वती बाई जी से किराना घराने की तालीम ले चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि वही सिलसिला उन्होंने मेरे मेरे साथ भी कायम रखा, मुझे सिखा के, गाना सिखा के। और मेरी जो जो भी उनसे मैं ले सकती थी, तो उनके उस हिसाब से मैं लेती रही, जितनी मेरी आकलन शक्ति है उससे मैं लेती गई दादी से। और जो सीखने का वैसे सिलसिला है, तो वो तो आखिरी सांस तक मेरी चालू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि साधक की जो अवस्था है ना, वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने शिक्षा ले ली, वो तो शिक्षा जो पाई है उस पे काम चालू है। और उसी सिलसिले में मैं अपने शिष्यों को सिखाती रही हूँ, सिखा रही हूँ अभी तक, और ऐसे ही चालू रहेगा ये सिलसिला। तो सीखना सिखाना ये तो चालू रहेगा। और एक बात जो बहुत अच्छी है, खुशनसीब समझती हूँ मैं खुद को, कि मेरे पिताजी डॉक्टर संजीव शेंडे ये उपशास्त्रीय संगीत सिखाते हैं सबको, और घर में ही मुझे उसका जो है वो अच्छा ट्रेडिशन मुझे मिला, वो भी शोभा गुरुटू जी के शिष्य रहे हैं। तो उसी कारण शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत दोनों का मिलाप मेरी शिक्षा में रहा है शुरू से, बचपन से। और आपके पिता डॉक्टर संजीव शेंडे तो खुद शोभा गुरटू जी के शिष्य रहे, तो परिवार में पिता के तौर पर एक ऐसे कलाकार का मिलना कितना भाग्यशाली समझती हैं आप अपने आप को? बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को, क्योंकि सबको ये भाग्य प्राप्त नहीं होता कि दो दो गुरु आपके घर पे ही है। जब मैं गुनगुनाती भी हूँ ना, और कहीं भी कभी कहीं मेरा चूक जाता है, कहीं गलत हो जाती हूँ, तो बिल्कुल कहीं से भी आवाज़ आती है, सामने ये क्या कर रही हो तुम बेटा, गुनगुनाना भी है तो सही तरीके से गाओ। और इसलिए मुझे लगता है कि जो ठुमरी दादरा और शास्त्रीय संगीत में जो फ़र्क होना चाहिए, जो दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए आपके गाने में, तो वो मैंने सीखा मेरे पिताजी से डॉक्टर संजीव शेंडे और मेरी दादी कुसुम शेंडे जी से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप ख्याल संगीत गाते गाते आप इतना उसको लाइटर कर जाते हो कि वो ठुमरी लगने लगती है, या फिर आप ठुमरी गाते वक्त उसकी जो नज़ाकत है वो बीच में भूल जाते हैं और वो ख्याली बन जाता है। तो वो जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, तो वो मुझे लगता है कि अच्छी तरह से तालीम मैंने ली है मेरे पिताजी से। इसलिए ठुमरी में क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है, ये मुझे अच्छी तरह से बताया गया है। और वैसे ही शास्त्रीय संगीत की बात है, उसमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, जिसके कारण आप बहते बहते उपशास्त्रीय संगीत तक ना पहुंच जाए,
इसलिए वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स तो है नहीं, आपको ही दिमाग लगा के एक बैलेंस रख के सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा गान प्रकार मैं गा रही हूँ, उस हिसाब से उसको न्याय देना चाहिए। तो ये बातें मुझे घर में ही पता चली, इसलिए भटकी नहीं मैं कहीं। सावनी, बातचीत के सिलसिले को शुरू मतलब और आगे बढ़ाएं, इसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई भजन, कोई गणेश वंदना जो आप हमें सुनाना चाहें। जी ज़रूर, एक मेरा भजन है, बहुत ही सुंदर है लिखा हुआ, तो उससे प्रेरित होके मुझे उसकी एक ट्यून मैंने बनाई है, तो ये मेरा भजन, इसकी स्वर रचना मेरी है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। सावनी, मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपकी जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस थी वो 10 साल की उम्र में थी, और अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि 10 साल की उम्र में तो बच्चों की जो शैतानियाँ होती हैं वो बहुत भारी होती हैं, तो जिस उम्र में बच्चे शैतानी करते थे उस उम्र में करते हैं बल्कि, उस उम्र में स्टेज पर बैठ कर परंपरागत तरीके से प्रस्तुति देना, क्या कुछ याद आता है उस कार्यक्रम से? जी, मैं 10 साल की थी तब, ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम कह सकते हैं मेरा हुआ पुणे में, और मेरी दादी की 60th बर्थडे थी, और यहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि 60th बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो एक गिफ्ट फ्रॉम होम, इसलिए मुझे बिठाया गया गाने को, और सच बताओ एक कोई प्रेशर नहीं था मन में। अभी जब मैं सोचती हूँ पीछे जाकर तो मुझे लगता है प्रेशर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ आता है सामने, तो दादी बैठी थी, पिताजी बैठे थे, घर के लोग हैं, और उनके सामने मुझे जो भी कुछ आता है वो गाना है, बस यही दिमाग में था, और ऐसे दिमाग में विचार लेके मैंने बागेश्वरी गाया। और फिर उसके आगे जब मैं उतरी स्टेज से, तो मुझे उस वक्त ध्यान आया कि अरे सिर्फ घर के लोग नहीं, तो इतना बड़ा हॉल था, बहुत पंडित लोग हैं, ऑफकोर्स मैं उनके आशीर्वाद लेके ही बैठी थी, लेकिन सब गा रही थी मैं दादी और पिताजी को देखकर, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था, लेकिन जो कुछ कुछ गाना है सिंसरिटी के साथ गाना है, अच्छी तरह से गाना है। और फिर मुझे दिमाग में आया कि इतने बड़े बड़े लोग, पुणे के जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो सामने बैठे थे, और उनके जो आशीर्वाद मिले मुझे इस प्रोग्राम के ज़रिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरी संगीतमय यात्रा में, क्योंकि इतने कम उम्र में आपको लोग बताते कि अरे नहीं अच्छा गाया तुमने, इसी राह पे चलते रहो बेटा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में। और इसी प्रोग्राम की वजह से मुझे वीणाताई की शिष्या बनने का भी मौका मिला, तो बहुत नसीब वाली समझती हूँ मैं खुद को। सावनी, बातचीत को और आगे बढ़ाएं उससे पहले अपनी एक पसंदीदा रचना सुनना चाहूंगा आपसे, जो बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने गाई है और निश्चित तौर पर आपको भी पसंद होगी, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। बाबुल मोरा तो बहुत सारे लोग गाते ही हैं, लेकिन मुझे जो बहुत पसंद है वो आज आपके लिए गा रही हूँ, शोभाताई गुरुजी जी की बहुत सुंदर रचना है संत कमाली की, जो संत कबीर की बेटी मानी जाती है। मिश्र भैरवी की रचना,
फिर आपको जब आपका जो परंपरागत संगीत सीखने का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो आपको वीणा सहस्रबुद्धे जी से भी सीखने का सौभाग्य मिला, वो कैसा अनुभव रहा आपके लिए, आपको एक बेहतर गायक बनाने के लिए, एक बेहतर कलाकार बनाने के लिए? जी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि वीणा जी जैसी गुरु मुझे मिली, और उनके बारे में क्या बताऊँ, मुझे लगता है शब्द काफ़ी नहीं उसके लिए। इतनी महान गुरु, इतनी महान व्यक्ति, और कितनी बड़ी गायकी थी उनकी। जितना कुछ मैं मेरे हिसाब से ले सकती थी मैंने प्रयत्न किया, और ख़ास तौर पे ग्वालियर गायकी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे किराना गायकी सिखाई थी, लेकिन वीणा थे कि यहाँ मुझे तानों के विविध प्रकार, फिर जो आक्रामक राग है, जो अलग किस्म के राग हैं, वो उनसे सीखा। और जैसे आलापचारी में भी एक जैसे अभिजातता होनी चाहिए, जैसे उसमें भाव भी हो लेकिन उसमें ख़ानदानी तरीके का भी कुछ गान हो, ये मैंने वीणाताई से सीखा। तराने की बात है तो तराने में उनकी पीएचडी थी, तो वीणाताई से बहुत ऐसे कुछ तराने मैंने सीखे। महफिल कैसे आप उसको रंजक बनाएं, कैसे आप लोगों तक पहुंचे अच्छी तरह से, और आपकी गायकी, आपका मन उसमें होना कैसे चाहिए, वो मैंने वीणा जी से सीखा। और सबसे बड़ी बात, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन लोगों को सिर्फ पसंद है इसलिए आप गाते रहते, तो ये डिसिप्लिन में नहीं था उनके, और ये मैं भी फॉलो करती हूँ कि जो आपको एथिकली अच्छा लगे, जो आपके मन को सही लगे, वही करना है। जैसे फ्यूजन की बात है, मैं तो बिल्कुल फ्यूजन नहीं करती क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार का फ्यूजन आजकल लोगों को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर फ्यूजन करना ही है, आपको कुछ नयापन करना ही है, तो आप खुद की बंदिश कीजिए, और उसमें अगर आप सिंथेसाइजर के साथ बैठे हो, गिटार के साथ बैठे हो, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने एक बियॉन्ड वर्ल्ड प्रोजेक्ट किया था, उसमें मैंने फ्यूजन नहीं किया है, लेकिन जो भी बंदिशें हैं मेरी तो अच्छी तरह से वो हार्मनी बेस्ड है, राग बेस्ड भी है, हार्मनी बेस्ड भी है, जो पाश्चात्य वाद्यों के साथ आती है, तो ऐसे प्रयोग करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो टिपिकल फ्यूजन है आज का, जो पुराने बंदिशों को लेकर उसको तोड़ डालते हैं, उसकी बहुत विटंबना होती है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये एथिक्स मैंने वीणा जी से सीखे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।